आज की इस वीडियो में बात करते हैं, देखते हैं। देखो माना कि देखो चार सड़सठ गुणा चार सड़सठ प्लस एक सौ छियासठ गुणा एक सौ छियासठ माइनस दो गुणा एक सौ छियासठ गुणा चार सौ सड़सठ ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी माइनस टू गुणा बी गुणा ए। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए हमने माना था चार सौ सड़सठ माइनस बी माना था एक सौ छियासठ का होल स्क्वायर। देखो इसके लास्ट डिजिट से निकाल लेंगे, लास्ट डिजिट बचेगा आपका देखो एक जीरो तीन इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में लास्ट डिजिट एक आएगी, लास्ट डिजिट एक। ठीक, तो इसका स्क्वायर आएगा नब्बे छः सौ एक आंसर। ठीक, देखो क्वेश्चन देखते हैं, चार सौ पच्चीस का स्क्वायर माइनस चार सौ चौबीस का स्क्वायर कितना होगा। देखो ए स्क्वायर, चार सौ पच्चीस को हमने ए माना, चार सौ चौबीस को हमने बी माना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो चार सौ पच्चीस माइनस चार सौ चौबीस ब्रैकेट चार सौ पच्चीस प्लस चार सौ चौबीस, इसका अंतर एक आया। ये देखो कितना होगा, लास्ट में होगा नौ चार आठ, आठ सौ उनचास। तो एक गुणा आठ सौ उनचास कितना होगा, आठ सौ उनचास आंसर।